गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मानू सर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और हम लोग अपने डिटरमिनेंट के आखिरी पड़ाव पे चल रहे बच्चों हम लोग। और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चों मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 16। और आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आज की हम लोग इवनिंग वाली क्लास में करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 हमारा क्या है देख लें फटाफट बेटा। प्रैक्टिस करके आइएगा इवनिंग में, आपको मैं बता दूँ, ऐसे मत चले आइएगा। ठीक है, मिसलेनियस का बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बच्चों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2/x - 3/y प्लस का बच्चों क्या दे रखा है, या साइन ही हट गया भाई, अजीब अजीब कहानी है सही में। ऑनलाइन का बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों, मैं आपको बताऊं, सही है। एक में देखोगे तो आप एप्लीकेशन में एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड किया है तो वहाँ पे वही नहीं आ रहे, उसके साइन ही क्या है उसके बीच में। लो भाई, अब दूसरी एप्लीकेशन से देखते हैं भाई कि क्या साइन थे क्वेश्चन में। हाँ भाई, तो तीनों के तीनों क्या है, प्लस के हैं। 2/x प्लस का 3/y प्लस का 10/z इज इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑनलाइन बेटा बहुत नाटक है मैं आपको बताऊं। दूसरी क्वेश्चन क्या बच्चों, 4/x - 6/y एंड प्लस का 5/z इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरे में बच्चों क्या दिया गया है, 6/x एंड प्लस 9/y माइनस का 20/z इज इक्वल्स टू दिया गया बच्चों 2। ठीक है, अब आपने लास्ट क्लास में जो देखा था बच्चों, वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन थे, वहाँ जो आपकी इक्वेशन थी वहाँ पे वेरिएबल डेट थे 2x + 3y, यहाँ रेसिप्रोकल में दे रखे हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है, आप लोग डेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग डेट भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों किया जाए उस तरीके से। ठीक है, कहो तो डायरेक्ट करके दिखा दूँ, बोलो आप लोग, बोलो सर डायरेक्ट कर दो आप लोग, लीजिए डायरेक्ट ही कर देता हूँ भाई, हटा। द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर किसी को डायरेक्ट में दिक्कत आए तो इवनिंग वाली क्लास में मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा इसको सॉल्व करने का। तो भाई आपको क्या करिए, यहाँ पे आपको पता है तीन मैट्रिक्स बनती है बच्चों यहाँ पर, सही है। एक को हम लोग ए बोलते हैं, दूसरे को बी बोलते हैं, एक को एक्स बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, इनका कोफिशिएंट जो कि है बच्चों 2, 3 एंड 10। दूसरे का कोफिशिएंट क्या बच्चों, 4 - 6 एंड 5। तीसरे वाले कोफिशिएंट क्या बच्चों, 6, 9 - 20। दूसरे वेरिएबल आते थे बच्चों, लेकिन यहाँ पे अगर आप वेरिएबल देख रहे होगे बच्चों तो ये 1/ में है, 1/x, 1/y, तो 1/x, 1/y एंड 1/z बराबर क्या बच्चों, 4, 1 एंड 2। तो दिस इक्वेशन कैसे लिखी गई बच्चों, ये लिख गई है आपकी ax बराबर बच्चों b फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लोग a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते थे तो x बराबर बच्चों कितना आया था आपके पास, ए इनवर्स इंटू बी आ जाता था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे बच्चों, यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालते थे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते थे। तो भाई यहाँ पर एक काम करते हैं फटाफट, इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दूं भाई, लो भाई आप बोलने को सर आपने इतना क्यों नीचे लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, बताता हूँ उसका रीजन। कोफैक्टर्स में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 2 a3 3। ठीक है, ये आएगा नोट करना बच्चों यहाँ तक जल्दी से।
देखिए भाई, जब हम लोग A11 निकालेंगे तो भाई पहले वाले को छुपा लो, फर्स्ट कॉलम चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 45, ये हो जाएगा 120 में 40 जाएंगे बच्चों, कितना 80 80 में 5 75। ठीक है, दूसरे वाले बच्चों कितना आ जाएगा कोफैक्टर्स, जल्दी से बताइए मुझे इसके कोफैक्टर्स क्या है। ठीक है, दूसरे वाले में इसको छुपा लो, ये -80 और ये -30 माइनस का 110। तीसरे वाले में इसको छुपा दो बच्चों, 36 और 36 72। ठीक है, दूसरे वाले में दूसरे वाली रो चली जाएगी बच्चों, पहले वाले को छुपा लो, 3 × 20 -60 -90 माइनस का 150। दूसरे वाले में इसको छुपा लो बच्चों, -40 -60 -100। तीसरे में इसको छुपाओ बच्चों, 18 - 18 = 0। तीसरे वाले में बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 15 + 60 = 75। ठीक है, ये चला जाएगा बच्चों, 10 - 40 - 30। और यहाँ कितना आएगा बच्चों, -12 - 12 - 24। साइन चेंज होते हैं बच्चों, आपको पता है किस किस के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इससे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते थे, तो मैंने आप लोगों को एक क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी जहाँ पे एक तरीका और भी होता है कि किसी भी रो को उसके को फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका डिटरमिनेंट निकल आता है। तो भाई फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो के ये को फैक्टर से बच्चों। ठीक है, अच्छा एक काम करें, इससे निकाल लूँ बात तो। ठीक है, इससे निकाल लेता हूँ, सेकेंड वाली रो से निकालता हूँ बच्चों, इसका एक एलिमेंट 0 आ रहा है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 4 × 150 बच्चों, और यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहो तो बगल से यहाँ पर लिख देना, ऊपर लिख देना भाई, एक्सपेंड अलोंग I2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों 150 से, सही है, कितना हो जाएगा 600। और इसका मतलब इससे होगा बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 600, और यहाँ तो 0 है, तो ये बच्चों कितना आ गया 1200, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई चेक करना जरा आप लोग, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बच्चों यही आ रहा है, और को फैक्टर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 75 110 72, उसके बाद 150 माइनस 100 0 75 30 एंड माइनस 24। बिल्कुल सही, ये हो गया, हटा दो इसको। ये बच्चों मैंने को फैक्टर्स निकलाए हैं, अब इसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ता था बच्चों, मैं इसके बाद निकालता था यहाँ पर ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है भाई, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, यस और नो, ये होता था ना। लीजिए, आज इवनिंग की क्लास में बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आज इवनिंग क्लास में लेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे, इससे भी थोड़ा सा लेवल क्या होगा उनका, ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं एडजॉइंट निकालूंगा बच्चों, तो एडजॉइंट मेरे पास क्या आता है, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हैं इनको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दो, 75 110 72। यहाँ कितना आ जाएगा, 150 माइनस का 100 एंड 0, उसके बाद कितना आ जाएगा, 75 देन 30 और देन -24। ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स होता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए 1200, एडजॉइंट कितना बच्चों, 75 110 72 150 - 100 75, और ये कितना बच्चों 30, और ये कितना बच्चों 24। ठीक है, लास्ट स्टेप में बच्चों क्या होता था, एक्स बराबर था बच्चों हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी, तो भाई ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों ये 1/125 110 72 150 - 100 75 30 - 24 इंटू बी की बच्चों वैल्यू क्या थी बच्चों, 412, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, बी की वैल्यू जो थी 412 थी आई थिंक, लेट मी चेक, बिल्कुल सही 412। ठीक है भाई, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो भाई x मैट्रिक्स में कितना आएगा, 1/1200
इसको उल्टा करो बच्चों, 75 × 4, 75 × 2 होता है 150, 150 × 150 बच्चों कितना हो जाएगा 300, 150 उल्टा इससे करोगे बच्चों 150, 75 × 2 150। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इससे करोगे बच्चों 440 वोल्ट का झटका लगेगा बच्चों, माइनस का 100 प्लस का 60, इससे करेंगे 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, और ये हो गया बच्चों 0, और ये हो गया बच्चों कितना माइनस का 48, ठीक है यही हो गया। अब अगले स्टेप में बच्चों करना क्या है आप लोगों को, लास्ट स्टेप है इसका, ठीक है। तो x मैट्रिक्स जो थी बच्चों मेरे पास वो थी 1/x, 1/y, 1/z इज इक्वल्स टू, आप जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1/1200, ये कितना आएगा बच्चों 600 हो जाएगा, दूसरा कितना आएगा 400 में से 500, 500 में से 400, तीसरा कितना आएगा ये हो जाएगा 240। आप लोग सभी वैल्यूज में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1/1200 का कितना आएगा भाई 1/2, ये 1/3 और ये 1/5, ठीक है। तो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1/x बराबर 1/2, 1/y बराबर बच्चों 1/3 एंड 1/z बराबर बच्चों 1/5, ठीक है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग x बराबर क्या मिलेगा बच्चों 2, y बराबर क्या मिलेगा बच्चों 3, और बच्चों z बराबर क्या मिलेगा 5, ये इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्या होता है हमारा समाप्त होता है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को पूछ लो भाई। इस संडे बच्चों इस चैप्टर को हमें क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है। जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको लेके बच्चों हम लोग क्या है इस संडे को इसको क्या कर देंगे बच्चों ओवर खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इसका तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 33 आपकी NCERT का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 33। एग्जाम में पूछा गया है ये बच्चों, CBSE बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, 6 मार्क्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन क्या है आपको, यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप लोगों को दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों, मैट्रिक्स क्या दे रखी है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों 103, यहाँ दे रखा है -1, 2 और फिर क्या लिखा भाई -2, ठीक है। यहाँ लिखा है भाई 2, 3 एंड 4, ये लिखा है 2, -3 एंड 4, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बच्चों, मुझे बड़ा मजा आता है इनको करवाने में और करने में भी, -2, 9 और 6, यहाँ बड़े आसान से 6 नंबर मिल जाते हैं बच्चों, 0, 2, 1, ठीक है। और तीसरा है 1, -3, -2, ठीक है। आपको इन लोगों का प्रोडक्ट निकालना बच्चों, ठीक है, और प्रोडक्ट का यूज करके आपको यहाँ पे इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करना है। और इक्वेशन जो है बच्चों वो आपके पास दे रखी है x - y + 2z, और यहाँ दे रखा है बच्चों y - 3z, और तीसरे वाले में दे रखा है 3x - 2y + 4z = कितना कितना दिया है भाई 1, 1, 2, ओके, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों क्या है इक्वेशंस है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है आप लोगों का, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब जब भी ऐसा दे रखा हो क्वेश्चन यूजिंग प्रोडक्ट, तो आप लोग इसके अंदर जो पिछले वाले कंसेप्ट हम लोगों ने आए थे वो वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगता। अब यहाँ पे देखो किस तरीके कंसेप्ट लगता है, ठीक है।
मैंने इन दोनों बच्चों इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से कर रहा हूँ। आपको पता मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है भाई? पहली रो पहला कॉलम होता है, इस कंप्लाई करो, 1 × -2 बच्चों कितना आएगा? -2, ठीक है। -1 × कितना आएगा बच्चों? ये 9, माइनस का 9। 2 × 6 बच्चों कितना आएगा? 12, ठीक है। फिर पहली रो का बच्चों किससे मल्टीप्लाई होगा? दूसरे कॉलम से होगा, है ना। 1 × 0 बच्चों कितना आएगा? 0। -1 × 2 बच्चों कितना आएगा? -2। 2 × 1 कितना आएगा? 2, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई बच्चों 1 से करेंगे, बच्चों कितना आ जाएगा? 1। -1 का इससे करूंगा बच्चों कितना आ जाएगा? प्लस का 3। 2 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा बच्चों माइनस का 4, ठीक है। अब सेकेंड रो की बात आएगी तो सेकेंड रो अब यहाँ पर सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × -2 बच्चों 0। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, जब मैं आपको एनुअल कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई बच्चों इससे करूंगा बच्चों कितना आएगा? 18। -3 से करूंगा बच्चों कितना आएगा? -18। फिर सेकेंड कॉलम से होगा बच्चों 0 × 0 0। 2 × 2 बच्चों दैट इज 4। -3 × 1 माइनस का 3। नाउ 0 × 1 बच्चों 0। 2 × 3 बच्चों 6। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? -3 × 2 अच्छा 2 × -3 बच्चों हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा +6। तीसरे वाले में आते भाई, तीसरी रो पहला कॉलम 3 × -2 बच्चों -6। -2 × 9 बच्चों -18। 4 × 6 बच्चों 24। 3 × 0 0 हो गया बच्चों। -2 × 2 बच्चों कितना हो गया? माइनस का 4। 4 × 1 बच्चों कितना हो गया? 4, ठीक है। नाउ 3 × 1 बच्चों 3। -2 × -3 बच्चों कितना हो जाएगा? +6। एंड 4 × 2 बच्चों कितना हो गया? 8। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको सॉल्व करने में जो बच्चों मेरे पास रिजल्ट आया 12, 9, 2, 11 बच्चों कितना आ गया? 1। 4 में से 3 गया बच्चों 1। 6, 3, 9 में से आ गया बच्चों 1, ठीक है। जो वैल्यू ये आती है वही डायग्राम में वही वैल्यू आती है। बाकी ये देख लो 0, ये देख लो 0, बाकी सब जगह बच्चों क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जब भी यूजिंग प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आए आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से दिखाया, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग फर्स्ट एलिमेंट निकाल लो, जो एलिमेंट आता वही एलिमेंट डायगोनल सारे एलिमेंट आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या निकल के आएंगे बच्चों? 0 निकल के आएंगे, ठीक है। आप देख रहे हो सारे के सारे क्या आ रहे हैं? 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपल पहला वाला आप एलिमेंट निकाल लो, वही डायगोनल के सारे एलिमेंट आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑल आर बिकम्स दैट इज 0, ठीक है। इस पार्ट को जरा नोट कर लो अच्छे तरीके से कॉपी में, तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, फिर मैं आपको आगे वाली कहानी समझाऊं जरा, ठीक है। देखिए 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 बच्चों, बड़े बच्चों आगे तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया था मेरे पास, वो क्या आया अभी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस जैसे पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है, और वो मैं आप लोगों से करवाऊंगा, टेंशन में लेते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। तो भाई यहाँ पे आपने देखा ये इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखे ना, तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन इसको लिखता हूँ बच्चों, कैन बी रिटन एज, अभी थोड़ा स्पेस छोड़ देना उसके बाद ये लिखना आपको, ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ तक जितना कर लिया वही तक करना, अभी नोट नहीं करना। अगर इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ बच्चों कैसे लिखूँगा, यहाँ पर ये आएगा 1 - 1 × 2, यहाँ कितना होगा बच्चों 0, यहाँ पर तो एक्स है नहीं, तो 0x हो गया बच्चों, +1 और ये माइनस का 3, यहाँ हो गया 3 -2 एंड 4, यहाँ वेरिएबल क्या बच्चों? x, y और z, और यहाँ क्या बच्चों? दैट इज 1 1 एंड 2, यही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए भाई, इस मैट्रिक्स को अगर मैं a बोलूँ, इसको मैं x बोलता था, इसको बोलता था बच्चों मैं b, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको b मान के इसको कुछ और मान लेते हैं, c मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं बच्चों? c। अब एक चीज़ करा,
आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है बच्चों ए है, यहाँ कौन सी मैट्रिक्स है इन दोनों में से ए, तो आप लोगों ने इसे कंपेयर करके पहचाना, तो भाई ये मैट्रिक्स निकल के आ रही थी आपके पास ए, ये मैंने बच्चों इसको मैंने मान लिया बी मैट्रिक्स, ठीक है, बराबर मेरे पास क्या बच्चों आई, ठीक है, आप लोग कहो तो इसको मैं बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ क्या, ठीक है अच्छा लगेगा, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है, तो भाई ये मैंने मैट्रिक्स में ए मान ली, इसको मैंने बी मान लिया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो मैं आपको थोड़ी सी आपकी याददाश्त तेज करा दूँ, मैंने आपको बताया था प्रीवियस मैट्रिक्स जब पढ़ाया था मैंने, तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर उसके इनवर्स से होता है, सही है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, या फिर इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन उसकी मैट्रिक्स से होगा तो भी आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर ये मैट्रिक्स बच्चों ए है तो दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, उसका इनवर्स होगी, तभी उसके मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो आप लोग करना क्या, इसके बाद आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से सिंपल से इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको इनवर्स फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको जो दे रखी थी वो ये थी, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ लिखा प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड, तो भाई जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए बच्चों कितना आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, और किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से करो तो वही मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी इंटू बी बच्चों कितना हो जाएगा, तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स, सही है। यहां से बच्चों जो कंडीशन निकल के आई कि भाई ए इनवर्स बराबर क्या निकल के आ गया बच्चों, बी निकल के आ गया। तो यहां से फायदा ये हुआ कि भाई जो मेरे पास बी मैट्रिक्स थी, ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, ये बच्चों ए थी, ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, बी, तो बी ही यहां पर ए का इनवर्स होगी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहां पर ये वाली मैट्रिक्स आपका क्या होगी, इनवर्स। अब यहां पे जो हम लोग सॉल्यूशन करते थे वो भाई ये निकल के आता था ए इनवर्स इनटू सी। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, आप लोग पहले स्टेप नोट कैसे करना, जो मैंने आप लोग कराया था यहाँ तक आया था, इस पर ये वाला स्टेप नोट करोगे, उसके बाद आप इस वाले स्टेप पे आओगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों कितने निकल के आएंगे, बी, तो बी इंटू सी हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो नाटक होता था ना को फैक्टर निकालने वाला, वो सारा का सारा नाटक बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो सारा का सारा नाटक बच्चों यहाँ पर क्या खत्म है, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, बी और सी का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, सी वाली मैट्रिक्स ये रही, बी वाली मैट्रिक्स आपकी ये रही, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, आंसर निकल के आएगा। अभी मैं आपको एक कंडीशन और समझा दूंगा इसके अंदर, वो वाले क्वेश्चन हम लोग ए बी में लेंगे, तो ठीक है भाई। अगले स्टेप में लास्ट इसका जो सीन होना है, बनना है, वो क्या बनना है भाई, इसको यहाँ यहीं से लिख देता, बी वाली मैट्रिक्स भी लिख रही है मुझे यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का फायदा कितना हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन से ही आपको इनवर्स निकल के आ गया भाई। तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, b इनवर्स इनटू c, b की बच्चों वैल्यू क्या थी बच्चों, -2 9 6 0 2 1 and 1 -3 -2, ठीक है। और c वाली मैट्रिक्स बच्चों यहाँ पे क्या थी, c वाली मैट्रिक्स देख लो जरा इक्वेशन में क्या थी भाई, 1 1 2। तो देख रहे हो आप लोगों का इनवर्स कितनी जल्दी आ गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम लोग को फैक्टर्स निकालने से क्या होते हैं बच्चों, बच जाते हैं, इसका फायदा ये होता है। और अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट से ना करते हुए डायरेक्ट कर दिया तो आपको नंबर मिलेंगे 0, ठीक है। तो बच्चा तुझे को फैक्टर से निकाल के चला है तो नंबर क्या मिलेंगे बच्चों, 0 मिलेंगे आपको। तो भाई इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे जब, तो भाई यहाँ पे -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2 0 × 1 बच्चों कितना हो गया 0, 1 × 2 बच्चों कितना हो जाएगा, ठीक है, 9 × 1 बच्चों कितना हो जाएगा 9, 2 × 1 बच्चों कितना हो जाएगा 2, -3 × 2 बच्चों कितना हो जाएगा 6, 6 × 1 बच्चों 6, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों -4, ठीक है भाई। एक्स मैट्रिक्स क्या होती थी बच्चों, वेरिएबल एक्स वाई जी, और यहाँ पे कितना आएगा भाई 0 9 6 3 2 5 और ये 6 7 7 और 4 3, ये आ रहा है। तो यहाँ से भाई x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू बच्चों आ गई 5 एंड z की वैल्यू आ गई बच्चों 3। दिस इज द आंसर, ठीक है। लेट मी चेक 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 0 5 और 3 बच्चों, इसको नोट करो आप, और बताओ कैसा लगा क्वेश्चन आपको।
अच्छा मैं एक कंसेप्ट ऑप्शन समझा देता हूँ आपको, वो वाले क्वेश्चन आपको इवनिंग में देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो मैंने चाहता कि वहाँ पे आप लोग अटका अटकी करो, बड़े स्मूथ तरीके से क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे इवनिंग में। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, मंत्रमुग्ध कराने वाला, सही है, लेवल होगा जिस क्वेश्चन का, ठीक है? अच्छा एक चीज़ है, इसी कंडीशन में मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, कल को ये कंडीशन बहुत तरीके से आती है। यहाँ मान लो बच्चों दो मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है? आप लोग जानते थे एक मैट्रिक्स आपकी ए थी, आपकी एक मैट्रिक्स थी बी, ठीक है? और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी। अब कल को मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए बच्चों, कल को ये आ जाए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इसीलिए एक ही से काम हो जाने सारे सारे, ठीक है? इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों के चक्कर में आज की मैंने ऑफलाइन क्लास आपकी जो लाइव क्लास है उसको रोक रखा था, ठीक है? अब एक चीज़ देखो ना, आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है सभी एलिमेंट से होता है, कॉमन भी जब निकलता है सभी एलिमेंट से निकलता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ बच्चों, ये कितना आया था, 6i आ जाता। ये थी आपकी मैट्रिक्स ए और ये था बच्चों बी। अब इस केस में पिछले आपके एनसीईआरटी में तो बहुत सिंपल वाला केस दे रखा है, वहाँ तो आपको क्या है सिंपल आइडेंटिटी आ गई है, तो दूसरा वाला क्या हो गया था, डायरेक्ट इनवर्स हो गया था। अब अगर यहाँ पे 6 आ गया बच्चों, अब क्या करोगे, फिर भी आप तरीका वही होगा, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स और ये बच्चों क्या हो जाएगा आई इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 6 ए इनवर्स, आई इंटू बी बच्चों क्या हो जाएगा बी बराबर 6 ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए, 6 को नीचे ले क्या होगा बच्चों, नंबर है। तो यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों क्या निकल के आई, दैट इज 1/6 ऑफ बी। तो ये जो मैट्रिक्स थी इसके बाहर कितना आएगा, 1/6 आएगा, ठीक है? तो आपका जो आखिरी जो रिजल्ट था भाई, x बराबर a इनवर्स इनटू c, तो वहां पे आप लिखोगे 1/6 इनटू b इनटू c। तो 1/6 जो आपकी मैट्रिक्स थी b वो, और c वाली जो थी 4 1 2 वो यहाँ लिखोगे और सिंपली इसको क्या कर दोगे बच्चों, सॉल्व। अब कल वो क्वेश्चन चेंज कैसे होगा, क्वेश्चन में 6 की जगह बच्चों आ चुका होगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8, यहाँ भी 8 8, यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई 8, और यहाँ भी बच्चों कितना आ जाएगा 8। बस कोई दिक्कत कोई टेंशन, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आइए और इवनिंग वाली क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।